अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो नेशनल सॉन्ग कंपटीशन की जितनी भी पार्टिसिपेशन थी, जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी, वो हमने कल अपलोड कर दी थी और आज का दिन जो है वो मुकाबले का दिन है। आपने अगर खुद पार्टिसिपेट किया है तो अपनी वीडियो को जितवाना आपका काम है, और आपके अगर दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया है, आपके क्लास फेलोज ने पार्टिसिपेट किया है, आपके किसी कज़न ने पार्टिसिपेट किया है, या आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस बच्चे को जीतना चाहिए, तो उस बच्चे को आपने जितवाना है। तो आज का दिन वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली ग्रुप्स के अंदर जो है वो वीडियोस को शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, अंकल्स के साथ, आंटीज के साथ, अपनी वीडियो को हर जगह पे फैला दें। क्योंकि जो विनर का जो डिसीजन है वो होगा व्यूज़ के ऊपर। जिस वीडियो को आवाम ज़्यादा पसंद करेगी, जिस वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो वही विनर होगा। तो आपने आज का दिन जो है वो भरपूर सपोर्ट अपनी प्रोवाइड करनी है तमाम उन बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बड़े मज़े के मिली नगमे बच्चों ने गाए हैं। और इवन जब मैं उनको देख रहा था तो मुझे खुद अपना बचपन और वो कैसे हम स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, और वो बड़ी एक फ्रेशनेस और बड़ी क्रिस्पी वॉइस होती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो इन कॉम्पिटिशन्स का जो मकसद होता है वो यही होता है कि बच्चों के टैलेंट को सामने लाया जाए, करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर भी काम किया जाए। तो इंग्लिश कीज़ अकेडमी इंशाल्लाह इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो आगे भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज करवाती रहेगी, और आपने इसी तरह से जो है वो पार्टिसिपेट भी करना है, और जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं उनको भी आपने क्या करना है, भरपूर सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोबारा से आपके लिए जो पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंसेज हैं, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोबारा से डाल रहे हैं। आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करें और वन बाय वन जो है वो आप सारी वीडियोस को देखते जाएं, और आप जिसको जितवाना चाहते हैं उसकी वीडियो को आपने भरपूर शेयर करना है, उसको आपने सपोर्ट करना है लाइक करके भी, और बच्चों की वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स करें, क्योंकि आपके एक कॉमेंट से बच्चे की कितनी हौसला अफजाई हो जाती है, और बच्चा जो है उस बच्चे का दिल करता है कि वो दोबारा भी इस तरह के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करे। नॉर्मली जब स्कूल कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं तो वो एक चार दीवारी के अंदर हो रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के टैलेंट को चार दीवारी से निकाल के उसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, और बच्चे को भी पता चले कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, और बाकी पूरी दुनिया को भी पता चले कि हमारी जो यूथ है उसमें कितना टैलेंट है, और हमारी यूथ जो है वो कितनी इंथुजियास्टिक है। तो चलें जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे। आज 13th ऑफ अगस्त है, कल 14th ऑफ अगस्त है। कल हम इसके जो विनर्स होंगे उनका उनकी अनाउंसमेंट करेंगे। कल दिन को 4 बजे तक हम लोग जो है, कल दिन को 4 बजे तक आपके पास टाइम है। आप वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को सपोर्ट करें। 4 बजे हम लोग देखेंगे कि कौन सी वीडियोस जो हैं वो टॉप रैंकिंग पे आ रही हैं, और फिर कल 4 बजे जो व्यू काउंट होगा उसके ऊपर हम लोग जो है वो अपने डिसीजन को लॉक कर देंगे, और फिर रात को इंशाल्लाह हम पूरी जो सेरेमनी है उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, उसकी जो वीडियो होगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन जीता और कैसा रहा ये इवेंट। आपने भी ज़रूर बताना है कि आपको इवेंट कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको लाजमी सपोर्ट करना है, क्योंकि बच्चे आपकी सपोर्ट के मंतज़र हैं, और आपकी सपोर्ट जो है दिस इज़ बेसिकली द गेम चेंजर ऑफ दिस इवेंट। अपना ख्याल रखें और अभी से वीडियोज़ को देखना शुरू करें और बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करें।